बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे यार, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। जो मेरे भाई बहन हैं दुख में हैं, तकलीफ में हैं या किसी परेशानी में, अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर करे। तो इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम भाई और बहनों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है और जहरा वीडियो को पूरा वॉच करना है, लाइक शेयर भी ज़रूर करना है। नहीं तो प्यार पहले तो मेरी तरफ से तमाम भाई और बहनों को 17वां रोज़ा मुबारक हो। तो व्यूअर्स, आज जो है ना मैं ये बना रही हूँ सरसों का साग। ये जो है ना मैंने खुश्क करके, इसको जो है ना सर्दियों में होता है ना, इसको जो है ना मैंने खुश्क करके रखा था, धूप पर रख दिया था। तो आज जो है ना सालन में बनाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि ये जो है ना सरसों का साग बना लेती हूँ अफ्तारी के लिए। तो व्यूअर्स मैंने सोचा कि आप तमाम भाई और बहनों से भी शेयर कर लेते हैं। व्यूअर्स अभी जो है ना मैंने इसको चूल्हे पर जो है ना खड़ा दिया है, ये देखें आग भी जला ली है और जो है ना सासू माँ जो है ना वो आटा गूंथ रही है, देखें माशाल्लाह से रोज़े भी रख रही है। चलो मैंने सोचा कि सारा दिन तो काम करती रहती हूँ, अभी जो है ना मुझे तुम ऐसा करो सासू माँ, चारपाई पर बैठकर मुझे आटा गूंथ दो। तो देखे वर हम अफ्तारी का इंतज़ाम बना रहे हैं। जान जो है बस खेलने लगा रहता है, अब तो गर्मी भी बहुत आ चुकी है ना, असल में शाम का टाइम है ना, कुछ ठंडा मौसम है, दिन को तो कोई हालात नहीं होते, इतनी गर्मी है गांव में तो कोई हालात भी बाहर भी नहीं निकला जाता। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। असल में व्यूअर्स अजान को तो परेशानी बस यही है कि ये कह रहा है कि ईद पर जो है ना हमने अम्मी हमें कपड़े खरीद कर दो, तो इंशाल्लाह ईद पर अजान और नुमान के कपड़े भी खरीदेंगे, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर खरीदेंगे इंशाल्लाह। बच्चों को जो है ना अभी जो है ना माह रमज़ान ख़त्म भी नहीं हुआ, तो बच्चों को ज़्यादा जल्दी होती है ईदी की, तो अजान और नुमान की सोच भी यही है कि हमारे जो है ना कपड़े भी नए हों और जूते भी नए हों। इंशाल्लाह हम कोशिश अपनी तरफ से ज़रूर करेंगे जो हमारी हैसियत होगी। ये देखें व्यूअर्स अभी जो है ना ये काफ़ी देर जो है ना उबलेगा, अभी इसको कम से कम 10-15 मिनट दे रहे हैं उबालने में, क्योंकि पहले जो है ना मैं इसको उबालूंगी। तो व्यूअर्स पहले जो है ना मैं इसको उबालूंगी, फिर जो है ना इसका अजान को तो याद था कि हमारी जो है ना इतनी हमारे गाँव में जब आंधी आती है तो ऐसा लगता है कि जैसे तूफान आ गया है। तो हमारी जो यहाँ पर हमने छोटी सी डपरी बनाई हुई थी, तो उनकी जो है ना अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो गिरी, हम नीचे नहीं थे, तो उनकी जो है ना ये यहाँ पर जो है ना लकड़ियाँ लगी हुई थी, तो एक लकड़ी जो है ना नीचे जो होती है ना सी भी लग गई थी, तो वो नीचे गिर गई। तो हमने सोचा कि इसको जो है ना आप उतार ही लेते हैं, बस गर्मी आ चुकी है ना, बस ऐसे ही बैठ जाएंगे चूल्हे पर, तो ये ख़तरा तो ऊपर से नहीं होगा कहीं हमारे ऊपर। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अजान और मैं जो है ना नीचे नहीं बैठे थे, तो गिर गई। तो अभी जो है ना हमने उसको उतार लिया है, हमने सोचा कि अब जो है ना हम इसको यहाँ पर नहीं रखेंगे। देखिए अजान की शरारतें देखें, मम्मी को डाल मैं सब बोलती हूँ, तो पढ़ के का सामान बनाना है ना, उसको जो है ना अच्छे तरीके से धो लेती हूँ, फिर
देखें, बाहर का माहौल देखें, बाहर जो है ना गंदम की कटाई हो चुकी है ना। बस ये मैंने धो लिया है, अब किचन में चलते हैं। वाह देखो हनुमान, बड़ी माँ के लिए क्या आया, दूध आ गया है, साथ वालों ने दिया है बड़ी माँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये देखें। असल में व्यूअर्स नेक दिन है ना माह रमजान के, तो बाहर से जो है ना जो हमारे साथ में रहते हैं तो गवांडी होते हैं, जो गवांडी होते हैं उन्होंने जो है ना कोई चीज हमारे पास जो है ना भिजवा देते हैं, खास तौर पर जैसे कि दूध होता है, जैसे कि दही होती है, तो रोज़ इफ्तारी के लिए जो है ना भेज देते हैं। लेकिन जो है ना ये उनकी नेकी है, वो अपनी नेकी के लिए ही करते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको नेकी ज़रूर देगा, ज़रूर इनका जर ज़रूर देगा। क्या देखें, ये भी मैंने ये कल आया था, है ना, कल आया था ये सब्ज़ी। हाँ कल वाली है ना, आज तो मैं ये सरसों का साग जो है ना खुश करके रखा हुआ था। कल हमने भिंडी बनाई थी, भिंडी। हाँ कल भिंडी बनाई थी, तो आज जो है ना ये साग बना रही हूँ ना मैं तारी में, तो फिर क्या करें, इतनी महंगी सब्जी है, रोज़ाना खरीद ही नहीं सकता इंसान। तो यार ये देखे काम काज तो हमारे होते रहेंगे, और जो है ना हम अफ्तारी का सामान भी बना रहे हैं, रोटी सालन भी बनाएंगे। तो यार उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी, और कल मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।